आज हम क्लास नाइन्थ फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन का यूनिट एट मैग्नेटिज्म को सोल्व करते हैं मैग्नेटिज्म को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, बार मैग्नेट इज़ कट इन टू हाफ इट विल बिकम। तो कह रहा है कि अगर बार मैग्नेट को हाफ से कट किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो सेम मैग्नेट बन जाता है सेम एज इट इज़, यानी इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। सिक्वेंस टू है, विच वन इज़ द क्विकेस्ट मेथड टू मैग्नेट एज मटेरियल। तो कह रहा है इनमें से कौन सा मेथड है कि किसी भी मटेरियल को जल्दी से जो है मैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो हमें पता है कि जब भी उसमें से एसी करंट को पास किया जाए कॉइल में से, तो उसको वो जो है मैग्नेटाइज मटेरियल, जो मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी उसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज़, तो अर्थ मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है वो होती है वेरी होती है प्लेस टू प्लेस, इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू फोर है, द काज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज़, तो कह रहा है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सबब क्या है। तो उसका सबब है कि जो मोशन ऑफ आयंस इन द कोर, यानी इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू फाइव है, व्हिच इज़ द बेस्ट वन फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसको परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है, वो है कोबाल्ट, ऑप्शन जो है इसका सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर सिक्स है, व्हिच मटेरियल इज़ द बेस्ट वन टू मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इनमें से कौन सा मेटर बेस्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना सकता है, वो होता है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू सेवन है, सेंसिटिव मैग्नेटिक मटेरियल इज़ टू शील्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट शुड कीप्ड इन साइड ऑफ बॉक्स। तो कह रहा है अगर सेंसिटिव मैग्नेटिक मटेरियल हो उसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाया जाए तो किस बॉक्स के अंदर फिल किया जाए, वो बॉक्स किस चीज़ का बना हो, तो वो बॉक्स बना जो होना चाहिए सॉफ्ट आयरन का, यानी ऑप्शन जो है सी इज़ डी इज़ करेक्ट। एट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, आर क्लोज, इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नाइन है, व्हेन टू करंट कैरिंग वायर एट सेम डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल नियर ईच अदर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, वो करेंगी अट्रैक्ट ईच अदर, यानी इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर टेन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ फेरोमैग्नेटिक, तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिक होता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट, निकल होता है। हम क्लास नाइन्थ फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर यूनिट नंबर एट मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो इस चैप्टर का एक ही न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स में है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इफ़ करंट इज़ 1.3 एम्पियर करंट इज़ पासिंग थ्रू द वायर। तो हमारे पास यहाँ से इसमें से करंट मालूम करना है। नंबर वन की डेटा लिखें, तो डेटा के अंदर सबसे पहले जो हमें मिला हुआ है डिस्टेंस मिला हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.1 मीटर। उसके बाद करंट जो मिला हुआ है 1.3 एम्पियर, और हमें जो हमारे पास जो होता है एक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के जो कि कांस्टेंट होता है 4π·10⁻¹⁰ टेस्ला मीटर × एम्पियर, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। और मालूम क्या करना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला कौन सा लगेगा, म्यू या परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू करंट डिवाइडेड बाई 2π r। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है, यही डेटा इस फार्मूले के अंदर पुट करके सोल्व करते हैं। मालूम करनी है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है, 4π·10⁻¹⁷ मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है 1.3, डिवाइडेड बाय कर लेंगे हमारे पास जो है 2π सेम का सेम, और रेडियस हमारे पास कितना है 0.1, तो 0. क्या हो जाएगा, पाए पाए से कैंसिल हो जाएगी, और 2 का टेबल इस पे 1 टाइम 2 का टेबल इस पे 2 टाइम, तो हमारे पास बाकी कितना बचा, जो हमारे पास बचा 2 10⁻¹⁰ मल्टीप्लाई बाय 1.3 और डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 0.1। तो अब क्या कर लेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाता है, तो हो जाता है 2.6 10⁻¹⁷ हो जाता है इससे -7, और डिवाइडेड बाय कर लेंगे 0.1। तो 0.1 बेसिकली इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो हमारे पास ये हो गया 2.7 10⁻¹⁷, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे 0.1 को, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻¹⁰ भी लिख सकते हैं। तो 10⁻¹⁰ जो है ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2.6 10⁻¹⁷, और ऊपर चला जाएगा 10⁻¹⁰ को तो हो जाएगा प्लस का 1, तो -7 में से प्लस का 1 गया, बाकी बचा 2.6 10⁻¹⁶, और होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो बी इज इक्वल टू 2.6 10⁻¹⁶ टेस्ला। रिव्यू कर लेते हैं, यदा क्वेश्चन उसके डेटा, डेटा के बाद रुका फार्मूला, सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। यूनिट एट मैग्नेटिज्म के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
सबसे पहले कि कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि अगर मैग्नेट दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, यानी आप एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, तो वो कभी भी नहीं कर सकती है। क्यों सकती है? तो हम इसका लिख सकते हैं आंसर के नो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज इट एट एनी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। तो क्योंकि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की कोई भी एक डायरेक्शन होती है, कि अगर जो है इंटरसेक्ट करेगी, इफ़ दे इंटरसेक्ट इट वुड बी एम्प्लाई टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। को तो किसी भी लाइन ऑफ फोर्सेस की जो होती है एक ही डायरेक्शन होती है, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो दो दो डायरेक्शन हो जाएगी, तो जो कि पॉसिबल नहीं होता है। क्वेश्चन है, एज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वाई? तो कह रहा है कि अगर हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, किसी धागे के अंदर बांध के उसको रोटेट कराएं, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ क्यों ही होती है? तो हमें पता है कि मैग्नेट फील्ड अलाइन इटसेल्फ अलोंग द अर्थ मैग्नेट फील्ड, क्योंकि अर्थ खुद जो है एक ह्यूज मैग्नेट है, उसका जो है नॉर्थ और साउथ पोल होता है, विच इज़ रफली एट पॉइंट जियोग्राफिकली साउथ टू नॉर्थ। दैट हैपन बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन द अर्थ मैग्नेट फील्ड एंड मैग्नेट, जो बार मैग्नेट और अर्थ मैग्नेट फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है, इसी वजह से जो है नॉर्थ और साउथ होती है, ईस्ट और नॉर्थ नहीं होती है। क्वेश्चन है, वाट इज़ द न्यूट्रल जोन आर मैग्नेटिक फ्री रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? तो कह रहा है कि अगर न्यूट्रल जोन, या जहाँ कौन सा रीजन होता है जहाँ पे मैग्नेट फील्ड ना हो, तो न्यूट्रल जोन और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है? द न्यूट्रल जोन इज़ ए रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू सोर्स कैंसिल ईच अदर, द रिजल्ट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। तो वहाँ पे जो दो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में इंटरसेक्ट करे या न्यूट्रलाइज कर दे, उस रीजन को हम न्यूट्रल जोन या न्यूट्रल फ्री मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। तो फोर, इज देयर एनी मटेरियल व्हिच डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक बिहेवियर? जस्टिफाई योर आंसर। तो कह रहा है कि कोई भी मटेरियल जो ऐसा हो सकता है जो मैग्नेटिक बिहेवियर ना करे? तो हमें पता है कि सब मटेरियल के अंदर जो होता है एटम होता है, एटम के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बेसिकली चार्ज होता है, और चार्ज जब भी हरकत करती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं हो सकता है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं, नो ऑल मटेरियल एग्जिबिट सम फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मोशन। हावर्स इन सम मटेरियल द मैग्नेटिक इफेक्ट आर एक्सट्रीमली वीक एंड निगलिजिबल। तो कुछ मटेरियल के अंदर जो होता है उनका इफेक्ट जो है निगलिजिबल होता है, इसलिए ये हम कह सकते हैं, लेकिन उनका न्यूट्रल या जीरो नहीं हो सकता। नंबर फाइव, प्रोटॉन इज ऑल्सो चार्ज पार्टिकल एंड स्पिन लाइक इलेक्ट्रॉन, वाई इज इट अफेक्ट निगलेट इन द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म? तो कह रहा है कि प्रोटॉन पे भी जो तो चार्ज होती है वो भी स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन की तरह, तो उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट जो है न्यूट्रल क्यों कंसिडर किया जाता है, उसको मैग्नेटिज्म में क्यों निगलेक्ट किया जाता है? तो इसका रीज़न क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है प्रोटॉन की, वो होती है निगलिजिबल। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ प्रोटॉन इज मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, हेंस इज कंट्रीब्यूट टू मैग्नेटिज्म इज निगलिजिबल एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से वाट इज़ द जियो मैग्नेटिक रिवर्सल फेनोमेना? तो जियो मैग्नेटिक रिवर्सल फेनोमेना कौन सा है? कि हमारे जो है नॉर्थ और साउथ से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रही होती है उनकी जो है रिवर्सिबल हो जाए, उनको कहते हैं जियो मैग्नेटिक रिवर्सिबल अफेक्ट फेनोमेना। तो जियो मैग्नेटिक रिवर्सल इज़ अ प्रोसेस वेयर द अर्थ मैग्नेटिक पोल विच प्लेसेस, दिस अक्कर ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, दिस इज काज बाय चेंज इन फ्लो ऑफ मोल्टन आयरन विद इन द आउटर कोर। तो आउटर कोर के अंदर जो है मोल्टन कोर की जो है डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाए, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाती है, इसको कहते हैं जियो मैग्नेटिक रिवर्सल फेनोमेना। क्वेश्चन सेवन है, वाई डज द अर्थ स्पिन अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सेक्सिस इंस्टेड ऑफ इट्स मैग्नेटिक एक्सेक्सिस? तो अर्थ रोटेशन इज डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज अलाइन एट द जियोग्राफिकल एक्स एक्सिस, द मैग्नेटिक एक्स एक्सिस इज अनरिलेटेड टू द मोशन और द रोटेशन एंड इज कॉज द डायनामिक ऑफ अर्थ कोर। तो इसी वजह से वाई आर द अर्थ जियोग्राफिकली एंड मैग्नेटिक एक्स एक्सिस नॉट कोइंसाइड? तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय मोमेंट ऑफ अ मोल्टन आयरन इन द कोर व्हिच डज नॉट परफेक्टली अलाइन विथ अर्थ रोटेशन, दिस इज काज द मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिकल एक्स एक्सिस ऑफ डिफरेंस। नंबर नाइन है, वाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरा मैग्नेटिक एंड फेरो मैग्नेटिक मटीरियल? तो इनमें से फ़र्क कौन सा है? तो पैरा मैग्नेटिक मटीरियल वो होता है जो वीकर मैग्नेटिक इफेक्ट हो, और फेरो मैग्नेटिक वो जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हो। तो पैरा मैग्नेटिक मटीरियल हैव अ वीक एंड टेम्प्ररी मैग्नेटिज्म अलाइन विथ एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड बट आर लूजिंग मैग्नेटिज्म व्हेन फील्ड इज रिमूव्ड। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? जो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म रिटेनिंग देयर मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। तो ये तब भी होता है जब उसके एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव